नव मनोनीत मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के अपने गृह क्षेत्र से उनके चाहने वाले शुभचिंतक मित्र और साथ काम कर चुके लोगों के जयपुर पहुंचकर बधाई देने का सिलसिला अभी जारी है। भजनलाल शर्मा वहां से अपने गांव से मुख्यमंत्री के पहले सरपंच भी रह चुके हैं और तब के उनके साथी सरपंचों का भी जयपुर पहुंचने का सिलसिला जारी है। उनके मित्र सखा और सरपंच लोग जयपुर पहुंचकर उन्हें बधाई दे रहे हैं। वे बताते हैं कि किस तरह से मुख्यमंत्री अपनी निष्ठा और लगन के दम पर लगातार आगे बढ़ते रहे। इनका कहना है कि किस तरह से जीवन के शुरुआती दौर में से ही वे संघर्षशील रहे, उन्होंने संघर्ष किया और उनके घरवाले उन्हें बीएड करवा कर अध्यापक बनाना चाहते थे, लेकिन नियति को कुछ उनसे बड़ा काम करवाना था, इसलिए वे राजनीतिक क्षेत्र में आए और जनसेवा से जुड़कर इस मुकाम तक पहुंच गए। क्या कहते हैं उनके सखा साथी और उनके मिलने वाले, आप सुनिए। आपका परिचय? मैं केशव देव, सरपंच, माननीय मुख्यमंत्री जी के गाँव के पास से और भरतपुर के हम रहने वाले हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी जो अभी नवनियुक्त हुए हैं, इनका स्वभाव बहुत ही अच्छा और बहुत ही अच्छे सरल स्वभाव के हैं। हमने इनको बहुत दिनों से देखा है, इनके परिवार के संपर्क में हैं, हमारे पड़ोसी हैं, इनके प्रचार में भी हम रहे हैं। पहले ये भरतपुर से चुनाव लड़ने का विचार था, फिर पार्टी के आदेश से ये यहाँ पे आ गए संगानेर में। कुल मिला के इनके परिवार का बैकग्राउंड बहुत अच्छा है, परोपकारी किस्म के आदमी हैं। शुरुआत में इनके पिताजी इनको बीएड कराए थे और वो इनको टीचर बनाना चाहते थे, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का शुरू से ही रुझान राजनीति की तरफ था, तो उन्होंने बीएड भी किया और राजनीति में भी सेवा में लोगों की सेवा में लग गए। शुरुआत में जी अपने ग्राम पंचायत के सरपंच रहे, पंचायत समिति सदस्य रहे, जिला परिषद सदस्य रहे और क्षेत्र में अपनी अच्छी छवि बनाई। और इनके पिताजी बहुत ही शांत एवं अच्छी छवि के आदमी हैं और उनका भी अपने क्षेत्र में अच्छी इमेज थी, इस कारण इनको भी अपनी जगह बनाने में कोई इतनी ज़्यादा परेशानी नहीं हुई। और माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने पूर्वी राजस्थान भरतपुर के इस लाल पर इतना भरोसा किया है, तो हम तो उनके स्वभाव से और व्यवहार से और जहाँ तक उनको नज़दीकी से जानते हैं, उनके पड़ोस के रहने वाले हैं, तो मैं आप सभी को ये आश्वस्त करता हूँ कि हमारे नवनियुक्त मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो विश्वास है उस पर बहुत ही खरे उतरेंगे और हमारी भारतीय जनता पार्टी की जो विचारधारा है सबका साथ सबका विकास, उसी भावना को लेकर के आगे बढ़ेंगे और सबका विकास होगा। और जहाँ तक हम अपनी बात करें तो हमारे भरतपुर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का गृह जिला है, भरतपुर के निवासियों के लिए बहुत ही खुशी और गर्व का समय है और दिन है, क्योंकि एक छोटे से कस्बे से, छोटे से गांव से प्रदेश के मुखिया तक का सफर तय करना अपने आप में एक बहुत ही खुशी देने वाला है। तो हम लोग सभी भरतपुरवासी उनके आसपास के गांव के बहुत ही खुश हैं, अत्यंत प्रसन्न हैं कि हमारे यहाँ के एक साधारण परिवार से निकलने वाले माननीय भजनलाल शर्मा जी आज राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हैं। इससे ज़्यादा खुशी की बात हमारे लिए और कोई नहीं है और हम उम्मीद करते हैं कि जिस प्रकार से, जिस भावना से माननीय प्रधानमंत्री जी ने उनको ये जिम्मेदारी दी है, उसको वो बहुत ही अच्छी तरीके से निभाएंगे। जय हिंद, जय भारत। आपकी क्या उम्मीद है मुख्यमंत्री साहब?